एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आवर कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर आवर क्लास 12th। तो देखिए, अब हमारे पास डेट शीट आ गई है एंड दिस वीडियो इज फॉर एवरी स्टूडेंट जो डेट शीट के बाद में पढ़ना शुरू करता है। होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में अब सीरियस होंगे कि हाँ चलो डेट शीट आ गई है, सीबीएसई सीरियस है, अब तो हमें भी एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो है। आज हम पूरी अपनी फुल टू स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेंगे जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी को कैसे टैकल करना है, राइट? क्योंकि हमारे पास दोनों बोर्ड्स भी हैं और सीयूईटी भी है। तो पहले मैं आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बताऊंगी जहां पे आपका बोर्ड्स और सीयूईटी साथ साथ में चलेगा। कब तक? जब तक आपके बोर्ड्स खत्म नहीं हो जाते हैं, एंड उसके बाद आपका सीयूईटी की तैयारी अलग से चलेगी। सो आज हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करेंगे। ये जो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी जो भी हमें करना है वो दोनों ही बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी के लिए भी रेलेवेंट है। सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन आवर वीडियो। बहुत मजा आने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से सब कुछ समझेंगे। चलिए, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है सिलेबस। हमें ये देखना है कि हमारा सिलेबस कितना हो चुका है। देखिए, अगर आपने शुरुआत नहीं भी करी है, मैं आपको ए टू जेड शुरुआत से एंड तक बताऊंगी कैसे हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बना लेनी है अपना सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। सब्जेक्ट वन हो गया यहाँ पे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, वॉट एवर इट इज, बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है, उसकी पूरी लिस्ट बना लेनी है क्या क्या आ रहा है। प्लीज अपने हाथ से लिखना ताकि आपको ये तो पता चल जाए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, राइट? तो एक पेज पे पूरी लिस्ट बन गई है। अब आपको क्या करना है, बगल में यहाँ पे मार्किंग स्कीम, उसकी कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये सीबीएसई ने प्रोवाइडेड दिया हुआ है। हमें पीडीएफ है जो सिलेबस की, सीबीएसई की पीडीएफ, उसमें हमें पूरी डिटेल्स मिलती हैं। तो हम उसमें भैया सबसे ज्यादा मार्किंग स्कीम वाले चैप्टर सबसे पहले कवर करेंगे और सबसे कम मार्क्स वाले चैप्टर बाद में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, चैप्टर्स प्रायोरिटाइज हो जाएंगे। जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 मार्क्स का कोई आपका एक ही चैप्टर आ रहा है, तो उसको आप सबसे पहले कवर करेंगे, राइट? तो सब्जेक्ट वाइज मार्किंग स्कीम पे डिपेंड होगी आपकी सिलेबस की तैयारी, राइट? तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम लिख लेना और फिर ऐसे आप हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स को सर्कल कर देंगे कि सबसे पहले मुझे ये वाले चैप्टर्स अपने कंप्लीट करने हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए सीबीएसई के अंदर, राइट? मेरे को तो नहीं लगता आप में से कोई ऐसा है जो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहा है, इतना मजा आ रहा है, उसे मार्क्स की परवाह ही नहीं है, राइट? क्योंकि हम स्टूडेंट्स को ना कम पढ़ के ज्यादा नंबर चाहिए, तो उसके लिए ये परफेक्ट हमारी स्ट्रेटजी है मार्किंग स्कीम की। चलिए, तो सिलेबस को हम ऐसे कवर करेंगे, राइट? तो सबसे हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हमारे रहेंगे जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, और बाद में हम चैप्टर्स कवर करेंगे जो कम मार्क्स के आ रहे हैं। अब चैप्टर को कवर कैसे करना है भैया, आपने तो बोल दिया इजिली कवर करो, कवर ही तो नहीं हो पा रहा है इतने शॉर्ट टाइम पे। तो ध्यान से सुनो, ये चीजें आपको करनी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 98% स्कोर किया मैंने। स्टूडेंट हर कोई एक ही चीज पढ़ता है, कहाँ पे आप एक टॉपर बन रहे हैं, कहाँ पे आप थोड़े से मार्क्स से रह गए हैं, वो जो गेम चेंजर है अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे कवर करना है, चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप करेंगे, हम सबको पता है एनसीईआरटी को रीड करेंगे, राइट? रीडिंग द एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लेके बैठो, एक पेंसिल रखो हाथ में, शांति से, प्लीज शांति से, ये नहीं गाने चल रहे हैं बैकग्राउंड में, वहां मम्मी खाना पका रही है, कुकर की सीटी बज रही है, नो, एकदम ध्यान से अपना फुल कॉन्सेंट्रेशन लगा के बस एक बार चैप्टर को रीड करना है, राइट? रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, साथ साथ बोला क्या जा रहा है, राइट? अब आपको उसके साथ में क्या करना है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, उसके साथ में आपको ऐसे शब्द, ऐसे कीवर्ड्स जो आपको न्यू लग रहे हैं उनको हाईलाइट या फिर अंडरलाइन कर लेना है, जो आपने या तो पहले कभी नहीं सुने, राइट? और उसमें एक एडिशनल लिस्ट है कीवर्ड्स की, क्या क्या आ जाएगा, ऐसे पर्सनैलिटीज के नेम जहां बार बार एम्फोसिस किया जा रहा है, इवेंट्स, कोई बहुत बड़ी घटना हुई उसका ईयर, राइट? सो पर्सनालिटी, इवेंट, ईयर, फिर हमारे पास आ जाता है डेट,
ठीक है, उसके बाद कोई प्लेस कि कोई मीटिंग यहाँ पे की गई, राइट, जो आपको लग रहा है कि यार अगर मैं एग्जामिनर होता ना तो मैं ऐसे एमसीक्यू पूछता, ये जरूर पूछता, उसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। वो हो गए आपके कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स आर वर्ड्स दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अ नेम ऑफ अ लीडर, अ प्लेस, अ मीटिंग, अ ईयर, राइट। सो ऐसी सारी डिटेल्स जिसके आसपास बहुत ज्यादा क्रूशियली आपका टॉपिक घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। सो एनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन विच यू थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू वुड हैव आस्क्ड इफ यू वर एन एग्जामिनर इज योर कीवर्ड, तो वो आप अंडरलाइन कर लेंगे। यही है आपकी इंटीग्रेटेड स्टडी फॉर CUET एंड CBSE। तो यहाँ पे आधा काम आपका बाद में जो CUET का चक्कर चलेगा उसका यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है, राइट। सो ऐसे होगा हमारा एक चैप्टर कंप्लीट। अब चलते हैं उस चीज पे जिधर 95 वाला बच्चा 98 या 99 ला सकता है, दैट इज नोट्स। अब मैं कैसे नोट्स की बात कर रही हूँ, मेरे नोट्स ना बहुत अलग है, मेरा नोट्स का कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग है। दो तरीके के नोट्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ये स्टेप कर लिया ना, वो जो आप छलांग मारना चाहते हैं वो पक्का तय है, आई गारंटी। मेरे पास मैसेजेस हैं पिछले साल के स्टूडेंट्स के कि दीदी हमने ये चीज जब करी ना और एग्जाम हॉल में जब बैठे तब पता चला आप क्या कह रहे थे। सो प्लीज इस स्टेप को बिल्कुल मिस मत करना, थोड़ा सा अपना हार्डवर्क, थोड़ा सा यार आलस हटा दो और ये वाला स्टेप कर लो। ट्रस्ट मी, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, जो चाहते हो सारे सपने पूरे होंगे, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चलो देखते हैं दो तरीके के नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। चलिए, तो सबसे पहले नोट आप बनाएंगे बुक में, जो आपको दो चीजें बताई, नंबर वन रीडिंग द एनसीईआरटी, नंबर टू अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स। उसके बाद थर्ड स्टेप है आपकी एनसीईआरटी में, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है पूरा, तो यहाँ पे एक कॉलम होता है जो खाली होता है, राइट, वहां पे आप क्या करेंगे, समरी के लिए अपने जो आपने समझा उसको राइट डाउन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ था, भैया पहले ये वाली मीटिंग हुई, उसके बाद ये वाली मीटिंग हुई और उसके बाद ये हुआ। तो ये तीनों स्टेप्स, तीनों जो भी बोला ईयर के साथ साथ आप यहाँ पे लिख लेंगे, राइट। एक आपने समराइज कर दिया यार, ताकि अगली बार जब मैं बुक पढ़ने आऊं तो मैं ये टेक्स्ट छोड़ के अपने नोट्स पढ़ूं, कि आपने बुक में बहुत ज्यादा मिनी समरी बना दी है जो पैराग्राफ लिखा है उसके बगल में। ओनली व्हेन, जब वहां पे एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, जो आपको पढ़ के ही याद होगी। तो नंबर वन नोट्स हो गए हमारी बुक के बगल में छोटू से समरी वाले नोट्स, ताकि जब हम बुक पढ़ने आए, वापस से रिविजन करने आए, तो हम वो नोट्स पढ़ के रिवाइज कर लें। अब आते हैं मेन नोट्स जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, वो है नोटबुक वाले नोट्स। अब ये नोटबुक वाले नोट्स में कैसे कह रही हूँ, अगर आपको अच्छे से समझना है तो प्लीज मेरी पॉलिटिकल साइंस के जो लेक्चर्स हैं, एक घंटे में वन शॉट फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, उसमें आपको पता है मैं नोट्स के साथ पढ़ाती हूँ, तो वो एग्जैक्टली वही नोट्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, कि भैया आपने जो बुक में पढ़ा वो आप कैसे लिखेंगे अपनी नोटबुक में, ऐसे कि भैया समझो क्वेश्चन आ गया है CBSE बोर्ड्स में और ये मेरा पूरा आइडियल आंसर है, ये वही आंसर है जो मैं बोर्ड्स में लिख के आऊंगा। पहले से हम अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि बोर्ड्स के टाइम वहां बैठ के हमें मेहनत ना करनी पड़े, ये पॉइंट लिखूं ये ना लिखूं। सो नोटबुक वाले नोट्स में कह रही हूं आंसर राइटिंग वाले नोट्स, आंसर्स ऑलरेडी आप अपने प्रिपेयर रखेंगे। अब इसमें बात आ गई दीदी कितने आंसर्स प्रिपेयर रखें, हर एक टॉपिक के आंसर आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, यू आर एलिजिबल फॉर दैट 1% जिनको मिलता है हिंदू SRCC और नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, राइट। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में पढ़ाया है, जाके देख लो पूरा आप समझ जाएंगे, राइट। सो नंबर वन नोट्स हो गए हमारे बुक वाले, फॉर रिविजन, फॉर समरी जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके लिए। एंड नंबर टू नोट्स हो गए हमारे आइडियल आंसर नोट्स, राइट, वो नोट्स जो हम
सीबीएसई की आंसर शीट में लिख के आएंगे अगर आंसर पूछ लिया गया। इस पे मैंने अलग से इन डेप्थ वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको ये आंसर लिखना है। सो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके एक्सप्लोर करो चैनल, प्लीज सारे रिसोर्सेज का फायदा उठाइए। ऑल्सो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कॉमेंट्स में, तो मैं सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस के मेरे हैंड रिटन नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। सो प्लीज लेट मी नो इफ यू वॉन्ट दैट टू हैपन। अब दो चीजें तो हमने कर ली हैं, नंबर वन सिलेबस, नंबर टू नोट्स। अब हमें क्या करना है? अब ये टाइम आ गया है प्रैक्टिस और रिवीजन का। ये मैं कह सकती हूँ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सब कुछ कर लिया है उनके लिए दिस इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस, एंड जिन्होंने अभी नहीं किया है गैप डेज में आप यही करेंगे प्रैक्टिस और रिविजन। तो ये कैसे करना है एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी है। सीयूईटी और सीबीएसई के लिए ये अलग रहेगा। सीबीएसई के लिए आपको करना है पास्ट ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज पीवाईक्यूज, ट्रस्ट मी सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस कहाँ से नए लाएंगे यार। अगर आपने पिछले 10 सालों के पेपर कर लिए ना, ट्रस्ट मी उसके बाहर से पेपर आता ही नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ, जस्ट डू द एफर्ट टू टेक आउट द पेपर, सिट राइट दोज आइडियल आंसर्स एंड ट्रस्ट मी पूरा पेपर आपको आता होगा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर योर सीबीएसई एंड सीयूईटी के लिए आपको एमसीक्यूज की कोई एडिशनल बुक, कोई एडिशनल सीरीज यूट्यूब पे ढूंढनी पड़ेगी, मटेरियल ढूंढना पड़ेगा एंड उसमें आप करेंगे। मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज फॉर सीयूईटी, राइट। सो प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी पास्ट ईयर क्वेश्चंस से, राइट right? और साथ साथ क्या आएगा हमारी प्रैक्टिस में, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो इस साल का निकाला है 2022-23, राइट। सो दो चीजें हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर। और आधी प्रैक्टिस तो आपके स्कूल वाले करवा देते हैं यूनिट टेस्ट्स लेके और प्री बोर्ड्स लेके, राइट। दैट इज नथिंग एल्स, उनके मार्क्स लगते नहीं हैं आपके क्लास 12th बोर्ड्स में, दैट इज जस्ट अ प्रैक्टिस पेपर फॉर यू, राइट। उसके बाद हम चलते हैं हमें रिविजन कैसे करना है। रिविजन भैया ये फोर्थ स्टेप जो है, दिस इज को डिपेंडेंट ऑन योर सेकेंड स्टेप। जैसे मैंने बताया, अगर आपके बुक के नोट्स और आपके नोटबुक वाले नोट्स रेडी हैं, यू जस्ट नीड टू रिवाइज देम, उनको बार बार पढ़ो जब आपके गैप डेज हैं एंड यू विल बी डन विद योर रिविजन। ट्रस्ट मी मैंने आपको पूरा जिस्ट दे दिया है हमें कैसे तैयारी करनी है फ्रॉम ए टू जेड। Now the future of yours is in your hand. देखो मैं दिल से दिल की बात बता रही हूँ, ट्रस्ट मी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अपने लिए कर रहे हो। आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, आगे क्या करोगे प्लीज सोचो थोड़ा। आगे कोई प्लान है गुड, बट उसके लिए भी यार आपको पासिंग परसेंटेज चाहिए। आपको इतना अपने आपको एलिजिबल, अपने आप को चैलेंज दो ना यार, कि मैं क्या ये भी नहीं कर सकता, ये जो मेरे को इतना टफ लग रहा है, कम ऑन आई एम बिगर देन दिस, आई कैन डू इट। अपने आप से चैलेंज लो, पढ़ाई का, पढ़ाई को एक पहाड़ मत समझो, चैलेंज योर सेल्फ कि कम ऑन यार इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, राइट। खुद को चैलेंज दो, डेली रूटीन टास्क बनाओ, आज ये चैप्टर करना है, आज का ये गोल है, लग जाओ और फिर एट द एंड ऑफ द डे जो चैन की नींद आएगी ना, ट्रस्ट मी वो पैसों से भी नहीं मिल सकती। सो प्लीज मैंने आपको पूरा रोड मैप दे दिया है फॉर योर क्लास 12th बोर्ड्स एंड सीयूईटी इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन फॉर दीज टू मंथ्स। उसके बाद हम मिलेंगे अपनी सीयूईटी की फोकस्ड प्रेपरेशन डिस्कस करने के लिए। सो तब तक के लिए दैट इज इट। और भी बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियो लेक्चर्स आएंगे अब, एज यू कैन सी वी हैव शिफ्टेड टू अ स्टूडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, आप लोगों की वजह से आज मैं अपनी ड्रीम्स जी रही हूँ। बहुत बड़ी बात है ऐसे खड़े होकर पढ़ाना, और बहुत ही खुशी हो रही है। सो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्टेंट आएगा आपके लिए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। यू आर एट ह्यूमैनिटीज, हैप्पी लर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।